नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक vherbal.in। ये है मेरी वेबसाइट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हम अपने घर पर एक टूथपेस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें घर पर टूथपेस्ट बनाना क्यों है, क्यों हम मार्केट वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करें ना करें ये अपना पर्सनल डिसीज़न है। मैं अपनी राय बता दूँ, मैं पर्सनली बाहर का इस्तेमाल नहीं करता या उसको मैक्सिमम अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें पड़े हैं बहुत सारे केमिकल्स, जैसे सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये एक केमिकल है जो झाग देता है, जब आप पेस्ट करते हैं तो उसमें जो झाग बनता है इसी के कारण बनता है। यही चीज़ आपके शैम्पू में भी पड़ी होती है। इसका इस्तेमाल क्यों करना है, क्यों अपने मुंह में जो है हमने केमिकल्स डालने, यही नहीं, इसमें पैराबेंस पड़े होते हैं। पैराबेन हो ना हो, 100% इसमें आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस यानी कि स्मेल, जो खुशबू आती है वो, और वो जो फ्रेश फीलिंग आती है पेस्ट करने के बाद, ये सब केमिकल से बना होता है। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि कई स्टडीज़ में पाया गया है कि इवन कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसका मैं तो इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं होम रेमेडीज़ या फिर घर पे बनाए हुए टूथपेस्ट, ये सब, इवन दंत मंजन जो बाज़ार में बिकते हैं बिना केमिकल के, या जो हमारे पूर्वज यूज़ कर रहे थे जैसे नीम की डंडी, मिसवाक की डंडी, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन सब से। सीधे आपके साथ ये होम रेमेडी शेयर करने से पहले कि पेस्ट कैसे बनाएं, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि ये हमारे मुंह में है क्या, ये क्या फंक्शन करता है, ये जो थूक है जो हमें दिखता है, ये क्यों दिया है हमें नेचर ने, क्या है इसका यूज़। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी एक दिन में कितना, ये जो ये स्लाइवा है जिसको थूक कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, कितना बना लेती है? एक दिन में हमारी बॉडी करीब 1.5 लीटर ये जो थूक है वो बनाती है। इतना छोटा सा मुँह 1.5 लीटर थूक लगातार बनता रहता है। ये क्यों है इसमें? क्योंकि ये जो हमारा थूक है, जो स्लाइवा है, ये हमारा पीएच, मुंह का जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो दांत में गड्ढे हो जाएंगे, दांत ख़राब हो जाएंगे। अगर ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा तो इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाएगी। तो बैलेंस करके रखता है। बैलेंस काहे से करता है? हमारा शरीर खुद बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसी टाइप की, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं या सोडा सिंपल लैंग्वेज में, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। ये हमारे मुंह के पीएच को बैलेंस करता है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, ये सब जो बुरे चीज़ें होते हैं ये ग्रो ना कर पाएँ। दूसरा इसमें होता है प्रोटीन, तीसरा इसमें होता है म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स। जी हाँ, वो जो बीमार होते हैं, गर्मी होती है ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाते हैं, या हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोतल चढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये हमारे थूक में भी होता है। ये सब क्यों है? ताकि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जी हाँ, हमारे थूक में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, ये बैक्टीरिया ही जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ मरोड़ के फिर नीचे भेजते हैं, तो उनको अच्छा खाना मिले, वो हेल्थी रहें, इसलिए इसमें प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब भी होता है। इसीलिए मैं केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं इतने हार्ड होते हैं कि ये हो सकता है मेरे जो मुंह के जो अच्छे जीवाणु हैं, यानी कि माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो माइक्रोबियोम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको तहस नहस कर देगा, और इम्यूनिटी यहाँ की कम हो जाएगी, फिर होने लगती हैं परेशानियाँ। तो ये सबसे बचने के लिए जानते हैं कि हम घर पर कैसे बना सकते हैं अपना खुद का टूथपेस्ट। देखिए, नीम की डंडी है, मिसवाक है, बहुत बढ़िया, उसी का इस्तेमाल करिए, मत बनाइए इसको। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सिंपल है, हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं उसको, वो लेंगे आधा चम्मच, और लेंगे हम 1 चम्मच नारियल का तेल, और इस नारियल के तेल में हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप पेपरमिंट ऑयल की, या जो भी ऑयल आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो, जो फ्रेगनेंस देता है वो वाला ऑयल, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच नीम पाउडर। नीम पाउडर बहुत ही अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर थोड़ा कड़वा होता है, प्रॉब्लम ये है बस। इसको सबको हम मिक्स करेंगे और आपका पेस्ट रेडी है। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा थिक है तो आप इसमें ऑयल, कोकोनट ऑयल की मात्रा बढ़ा सकते हो, यानी नारियल के तेल की मात्रा बढ़ा सकते हो, और पेस्ट बनाकर इससे आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नीम बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप मेथी दाने का जो पाउडर है वो आप नीम की जगह 1/4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, और इससे आप पेस्ट कर सकते हैं। एकदम स्मूथ फीलिंग देगा मुंह में, और दूसरा थोड़ा झाग भी बनाता है, अच्छा खासा झाग बनाता है। तो हमारी बचपन से एक्चुअली आदत है कि
झाग बने जब हम करते हैं, एकदम से नहीं बनता है तो अजीब फील होता है। तो इसीलिए आप मेथी दाने का चूर्ण यहाँ पे मिला सकते हैं और इससे ब्रश कर सकते हैं। कुछ भी करिए, ट्राई करिए कि मिनिमम ये केमिकल स्टफ़ हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेथी दाना अंदर चली भी गया, बेकिंग सोडा अंदर चले गया, कोकोनट ऑयल आपने खा लिया, कुछ बुरा नहीं होना है, अच्छा ही होना है। तो ऐसी चीज़ों का क्यों ना इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आप ब्रश करेंगे तो आपकी मुस्कुराहट और बड़ी होगी और सुंदर होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।